मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली जैसे पर्व की परंपरा हमें अतीत से जोड़ती है। समाज में जिस प्रकार होलिका या हिरण्यकश्यप किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रहते हैं। होली जैसे पर्व हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रंगों का यह पर्व समता मूलक समाज का प्रतिबिंब है। सीएम योगी रविवार को होली के पावन पर्व पर घंटा घर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री होलिकोत्सव समिति की ओर से निकलने वाले रंग भरी शोभा यात्रा के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। सभी नागरिकों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पर्व हमारी हजारों साल की विरासत की पहचान है। यह इस बात के लिए प्रेरित करता है कि चुनौती कितनी भी कठिन हो, हमें सामूहिकता के भाव से अहर्निश प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकें तो विजयश्री अवश्य मिलती है। हमें सदैव सात्विक एवं सकारात्मक भाव से चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनौतीपूर्ण चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगों के महापर्व के पूर्व हाल में संपन्न लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन एवं विकास को चुना है। यूपी के परिणाम से अन्याय, अत्याचार, अराजकता और अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में उत्साह व उमंग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्लास का पर्व होली गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद पहली बार जनपद की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाकर जनता ने राष्ट्रवाद की मुहर लगा दी है। सुशासन को समर्पित अभियान में मंडल की 28 में से 27 सीटें भाजपा को दिलाकर लोगों ने हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। कोरोना संकट काल में महामारी के साथ गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए केंद्र व यूपी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों को बीमारी से बचाने के साथ उनकी जीविका को भी बचाया। उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त डबल राशन दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कोई उपकार नहीं किया बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आस्था बहुत मजबूत है, हमें पर्वों की श्रेष्ठ परंपराओं को सदैव बनाए रखना होगा। होली में कहीं भी फुहड़ता या अराजकता को स्थान नहीं मिलना चाहिए। हमें जोश में होश नहीं खोना है, शालीनता से त्योहार मनाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग किन्हीं कारणों से रंग नहीं खेलना चाहते उन पर जबरन रंग ना डालें। लोगों को होली की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विष्णु की विधि विधान से आरती उतारी। उन्हें नारियल गुजिया के साथ रंग अबीर गुलाल अर्पित किया। भगवान नरसिंह की पूजा करने के बाद योगी पूरी तरह होलियाना मूड में आ गए। उन्होंने लोगों के ऊपर जमकर रंग अबीर गुलाल व गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई। देखते ही देखते योगी समेत समूचा जनमानस रंगों में सराबोर हो गया। इस दौरान योगी और जय श्री राम के नारों के बीच उत्सवी उल्लास आसमान पर था। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के निवर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, प्रांत सह संघ चालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, प्रांत प्रचारक सुभाष जी, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, ओम जालान, श्री होलिकोत्सव समिति के डॉक्टर अरुण प्रकाश मल, मनोज जालान वाराणसी से आए, सतुआ बाबा कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास आदि भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होली का उत्सव समिति के अध्यक्ष अरुण प्रकाश मल ने कहा, thank you.
Thank you.
से प्राण बचा रखा, मनु सूता से पकड़े था, चंद्र से बनाए गए चालान देखो होना पे निशोर जी आने नगर तभी तनाएंगे शिवा राधे सूत्र दे माता की, ओ माता की, माता
माता की, भक्त माता की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, सिंह भगवान की, सिंह भगवान की, होली उत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान नरसिंह के हाथ निकलित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उपस्थित सभावजन भाइयों बहनों, आज होली का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके लिए करता हूं। पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है उसमें एक बार फिर से राजराज के लिए, मुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में कपास उत्साह उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मैं परसों होली का दान समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था व्यापार उत्साह लोगों के मन में है। ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए महत्वपूर्ण है ही गोरखपुर के और भी महत्वपूर्ण इसलिए है आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी
लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। पर्व और त्योहारों की परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत होली की परंपरा कहां से आई, हम सब देखते हैं। हमने परसों कल और परसों यानी कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होली का दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे। और यही रहे, भक्त सरदार भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे। ये संदेश देता हमें पर्व और त्योहार अपने मार्ग पर चलने का। अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहाँ पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। संता का एक भाव और हर व्यक्ति अमीर रंग गुलाल उड़ाते हुए खेलते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए संता मूलक समाज के स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है, होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। छोटा हो या बड़ा, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक नए उत्साह के साथ इस पायलट के साथ यही चाहता था कि प्रहलाद उनका पुत्र है और प्रहलाद भी अपने मार्ग से विचलित होने की स्थिति जो दिखती थी अपने कश्यप को, कि भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप में मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, ये हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रगति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस को भक्त प्रसाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आत्मा के मार्ग पर चलता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनते और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जहां वो हजारों वर्षों की विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं तो एक पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सभी एक ही प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित होने देकर निरंतर और निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। और हमें जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना है।
करने वाला भारत दुनिया का एक नाम देश, ऊपर ना मारो भी महामारी का एक हजार वर्षों की महामारी के बीच में आप देखेंगे क्या उसको आप देखेंगे। एक बात सामने आती है, ऊपर मत मारो, ऊपर मत मारो, ऊपर मत मारो, ऊपर मत मारो, अपने साथ हमारी महामारी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को परिषद की सरकार थी तो महीने में दो बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। हमने उपकार नहीं किया, यहाँ तो अपने दायित्व का निर्वहन किया और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना और पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। हम सब आपके पास आए हैं और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पर्व और त्योहारों को सात्विक भाव के साथ, पूरी पवित्र भाव के साथ इन पर हमें आयोजित करना चाहिए, इंतजार बोलना चाहिए, गोवर्धन नहीं होना चाहिए। होली का मतलब अविवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती, कोई आयोजन का मतलब ये नहीं हो सकता जब उत्साह और उमंग में हो लेकिन इतना जोश आ जाए कि भी होश हो जाए, कभी नहीं। जोश के साथ होश, उत्साह और उमंग अच्छी बात है लेकिन जोश के साथ होश नहीं होना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को बनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कही, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती है और रखने के पहले हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो, हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल बढ़ा दे। जो लोग श्रेष्ठता से खेलना चाहते हैं सावधानी जरूर करके रंग और गुलाल व्यक्ति के चेहरे पर लगाइए, उसके हाथ पे लगाइए लेकिन आंखों में न डाले। यहाँ घटना ज्यादातर अमीर और गुलाल यह केमिकल से बनते हैं और केमिकल विकार बनने से आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। रंग और गुलाल जो अनमन्य हो वही लगाएं, कीचड़ न लगाएं, पेंट न लगाएं, कोई ऐसा रंग न लगाएं कि जो व्यक्ति की जो शरीर रंग निकालते निकालते उनकी चमड़ी ही निकाल दे। मैं एक बार फिर से आज जब होली का एक पवित्र आयोजन है पूरे देश के अंदर लगातार होली के आयोजन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अपार उत्साह है देश के अंदर और अपार इस उत्साह के कारण आप सभी हजारों की संख्या में आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा यानी आज से लगभग ये आयोजन आज से लगभग 80-85 वर्ष पहले आयोजन यहाँ पे प्रारंभ हुआ और होली का उत्सव समिति का यह आयोजन 85 वर्षों से अनवरत अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से होली का उत्सव समिति के इन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर अभी भगवान नरसिंह की अभी तो आपने महाकाल को देखा था, भगवान नरसिंह की पूजा होगी आरती के बाद, फिर यहाँ पे भगवान नरसिंह की यात्रा आगे बढ़ेगी और पूरी यात्रा में उत्साह के साथ आप सभी के साथ आप सभी
होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंजीनियर अरुण प्रकाश मल, अध्यक्ष होलिकोत्सव समिति गोरखपुर। यह शोभा यात्रा 1944 से प्रारंभ हुआ। यह स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने 1940 में गोरखपुर आने के पश्चात यहाँ पर जो स्थिति देखी थी गोरखपुर के होली की, उसको एक सात्विक रूप देने के लिए 1944 में प्रारंभ किया और विगत 78 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर में आने पे जब वो दीक्षा नहीं भी लिए थे, उस समय से हम सबके बीच में आते रहे हैं, तब से निरंतर हम सबके बीच में आते हैं। पिछले 2 वर्ष में कोरोना के कारण नहीं आ सके, इसलिए इस वर्ष हम लोगों के अंदर विशेष और समाज के अंदर विशेष रूप से विशेष उत्साह है उनके आने को लेकर के, और पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए गोरखपुर के जनता उनके दर्शन की आकांक्षी और विशेष शुभकामनाएं देती हैं। आगे आने वाले 5 वर्षों में उनकी ऊँचाइयों को अधिक से अधिक ऊँचाइयाँ प्रदान प्राप्त करें। ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल करके मदरसा चौक होते हुए जाफरा बाजार आर्यनगर होते हुए बीच में पुनः घंटाघर पे वापस आएगी।